हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। सो देखिए, आज के इस वीडियो से हमारे चैप्टर वाइज जो आपके एमसीक्यूज हैं वो जो पूछे जाएंगे वो डिस्कस कर रहे हैं, और जो एनसीईआरटी एग्जाम्पल के जितने भी प्रॉब्लम हैं एमसीक्यूज वो सारे करेंगे हम। और इससे पहले भी मैंने बाकी चैप्टर के एमसीक्यूज करा रखे हैं, आप उन वीडियोज़ को प्ले लिस्ट पर जाके या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा, या फिर आप वीडियो लिस्ट पर भी चेक कर सकते हैं। सो पहला क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है हमारे पास, तो हमसे ये बोल रहा है जो 30वां टर्म है ऑफ एपी का वो क्या होगा। अगर हमें जो एपी दे रखा है वो क्या दे रखा है, 10, 7, 4 ये बोला है। तो देखो यहाँ से क्लियर है, आपका जो ए है वो 10 है, ठीक है, और डी घट रहा है। आपका डी कैसे निकलता है, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, यानी कि माइनस के 3 है। तो आपको 30वां टर्म निकालना है, यानी कि ए प्लस 29D, ये फॉर्मूला होता है कि नहीं, ए प्लस 29D। ए हमारे पास क्या है, देखो ए हमारे पास 10 है, 29 को माइनस 3 से क्या कर देना, मल्टीप्लाई, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो जो आपको आंसर मिल जाएगा वो मिलेगा माइनस के 77। सो जो आपका ऑप्शन नंबर सी है वो क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, आराम से हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन भी वैसे ही है, लेकिन बस इसमें सीरीज को थोड़ा नेचर बदल दिया है, अपॉन में ऐसा कुछ है, ठीक है। सो देखो इस क्वेश्चन में भी ए हमारा क्या है, माइनस के 1 है, और डी हमारा क्या हो जाएगा, सेकेंड टर्म माइनस के फर्स्ट टर्म, यानी कि यहाँ से अगर प्रॉपर देखा जाए तो माइनस के 1 प्लस 3 है। सो 6 माइनस 1 बाई 2, यानी कि 5 बाई 2 है आपके पास डी, ठीक है। आपके पास डी कितना है, 5 बाई 2। आपको टेंथ टर्म निकालना है, यानी कि ए प्लस 10D, ठीक है। ए आपके पास कितना है, माइनस के 3, 10। डी कितना है आपके पास, 5 बाई 2, 2 पंजे 10, 5 25 25 25 में से 3 घटाएंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 22। सो जो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सही होगा वो होगा बी, 22। इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट प्रॉब्लम है कि इफ़ एपी में अगर डी हमारे पास -4 हो, एन हमारे पास 7 हो और एन हमारे पास 4 हो, तो ए क्या है भाई। सो आपको पता ही फॉर्मूला, ए एन इसकस टू क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। ए एन हमें 4 दे रखा है, ए आपको निकालना है, एन माइनस 1 यानी कि 7 माइनस 1, डायरेक्ट मैं 6 कर दे रहा हूँ, और डी कितना आपके पास, माइनस के 4 हैं, ठीक है। तो 6 चक्कू 24। नेक्स्ट स्टेप में देखो यहाँ से आगे मैं कर रहा हूँ तो क्या हो जाएगा, 4, ये माइनस के 24 इधर के क्या हो जाएगा, प्लस के 24, इधर आ जाएगा ए। सो ए की वैल्यू कितनी आएगी, 28। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही। बहुत ईजी क्वेश्चन है। वीडियो को लाइक करो और एक अच्छा कमेंट करो, क्योंकि आप बाद में भूल जाते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इजी है, कह रहे हैं इन एन ए पी इफ़ ए 3.5, डी 0 एंड एन हमारे पास 101 है, तो ए एन क्या होगा। तो ए एन के लिए फार्मूला क्या होता है भाई, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है कि नहीं। सो इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, देखो ए हमारे पास है 3.5, एन माइनस 1 यानी कि 100, 0 में से एक माइनस करोगे तो क्या होगा, 100 आएगा, और डी हमारे पास कितना है, देखो 0। सो इसको तो, ये तो 0 हो जाएगा पूरा, तो आंसर क्या हो जाएगा, 3.5। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोले द लिस्ट ऑफ नंबर हमें दे रखा है -10, -6, -2, 2 इस क्या है, एन ए पी विथ डी -16 है, एन ए पी डी विथ 4 है, एन ए पी विथ डी -4 है, यानी कि नॉट एन ए पी है, कि यह ए पी ही नहीं है। तो बताइए इसका आंसर कौन सा होगा। आपको देखो खुद भी ट्राई करना है, ये नहीं कि मैं ही बता रहा हूँ तो आप वैसे ही देखते रहोगे। सबसे पहले ट्राई करो क्या यह ए पी है या नहीं है। देखो -6 सेकेंड टर्म में से जब फर्स्ट टर्म माइनस करोगे तो कितना आ रहा है, -4 आ रहा है, ठीक है। इसमें से ये घटाओगे तो भी -4 आ रहा है, इसमें से ये माइनस करोगे तो भी कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। तो हर एक टर्म में से जब डी हमारा सबका क्या आ रहा है, 4, 4, 4 आ रहा है, तो ये एक ए पी होगा जिसका डी कितना है, 4 है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, इन द फर्स्ट 4 टर्म ऑफ एन ए पी हूज फर्स्ट टर्म इज -2 एंड द कॉमन डिफरेंस इज -2R, ठीक है। पहला टर्म हमें क्या बोला, -2 है, और जो कॉमन डिफरेंस है वो -2 है। तो देखो -2 आपको क्या करना, ऐड करते रहना है हर एक टर्म में।
सो माइनस टू में माइनस टू और ऐड करोगे तो माइनस फोर, माइनस टू में माइनस टू और ऐड करोगे तो ये वाला जो सी ऑप्शन है वो ट्रू हो जाएगा। ठीक है ना, बहुत इजी क्वेश्चन था, आराम से हो गया। क्वेश्चन नंबर एट क्या बोल रहा है, द 21st टर्म ऑफ एन ऑफ द ए पी हुज फर्स्ट टू टर्म आर माइनस थ्री एंड फोर इज। फर्स्ट टू टर्म हमें दे रखा है ए पी का, यानी ए हमें तो क्वेश्चन में दे रखा है माइनस के तीन, और डी क्या होगा फोर्थ सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, यानी कि डी हमारे पास सेवन है। ठीक है, फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या है माइनस के थ्री है, सो हमें क्या निकालना है 21st टर्म, यानी कि ए प्लस 20 डी। 21st टर्म का मतलब ए हमारे पास माइनस थ्री है और 20 को गुणा कर दो सात से, सो सात या 21, 210 में से माइनस तीन कर दो, नहीं सात दूनी 14 ना, 140 में से तीन माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा 137। सो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ द सेकेंड टर्म ऑफ एन ए पी इज 13 एंड फिफ्थ टर्म ऑफ एन ए पी इज 25 देन सेवन टर्म। तो देखो हमें ए पी में फिलहाल अभी क्या नहीं पता है, ए पी में हमें नहीं पता है ए और डी, तो हम सेवन टर्म कहाँ से निकालेंगे, है ना। तो सेकेंड टर्म का मतलब होता है ए प्लस डी हमारे पास क्या दे रखा है 13, इक्वेशन नंबर वन, और फिफ्थ टर्म का मतलब होता है ए प्लस 4 डी हमें दे रखा है कितना 25, ये क्वेश्चन नंबर सेकंड हो जाएगी। इन दोनों इक्वेशनों को सॉल्व करोगे ए और डी की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है, और ए और डी की वैल्यू मिल जाएगी तो सेवन टर्म बोला है तो क्या होता है सेवन टर्म कर लिए ए प्लस 6 डी, ए की और डी की वैल्यू रख देना, सॉल्व करना, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो जो आंसर आएगा वो भी मैं बता देता हूँ, जो आंसर रहेगा इसका रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी 33। ऑप्शन नंबर 10 पे आ जाओ, विच टर्म ऑफ ए पी इज 21, 42, 63, 84 इज 210। कौन सा पद इस ए पी का 210 है, यानी कि एन निकालना है, टेंथ कौन सा टर्म होगा ये बोलना है। सो देखो कौन सा टर्म, ए एन हमें दे रखा है 210, ए हमें दे रखा है 21, और डी हमें दे रखा है देखो 21 दूनी 42, 42 में से 21 घटाओगे तो डी हमारे पास कितना है 21। ठीक है, अब फॉर्मूला में लग दो वैल्यूज़, 210 ए हमारे पास है 21, एन हमें फाइंड करना है और डी हमारे पास है 21। अब इसको आपको सॉल्व करना है और आपको आपका आंसर मिल जाएगा एन की वैल्यू। ठीक है, तो ये आई होप ये कर लोगे कैलकुलेशन आप आराम से। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, इफ द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन ए पी इज 5 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए 18 माइनस ए 13। जो कॉमन डिफरेंस है दोनों का डी वो दे रखा है 5, ए 13 ए 18 का मतलब होता है ए प्लस 7 डी, और ए 13 का मतलब होता है ए प्लस 12 डी। ए से ए कैंसिल, 17 में से 12 डी घटाओगे तो कितना आएगा 5 डी, और डी की वैल्यू कितनी है 5, तो पा बचे 25 आ जाएगा आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा आराम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन ए पी इन विच ए 18 माइनस ए 14 इक्वल टू 32। कॉमन डिफरेंस क्या है इसका, ए 18 का मतलब होता है ए प्लस 17 डी, और ए 14 का मतलब होता है ए प्लस 13 डी। ये किसके इक्वल है, 32 के इक्वल है। सो ए से ए कटा, 17 में से 13 डी घटाओगे तो कितना आएगा, 17 में से 13 गया तो 4 डी, तो 4 डी किसके इक्वल है हमारे पास 32, 4 8 32, तो डी की वैल्यू कितनी आ गई 8। सो ऑप्शन नंबर 8 ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू ए पीज हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, द फर्स्ट टर्म ऑफ एन ए पी ऑफ दीज इज माइनस वन। हमारे पास दो ए पी हैं जिनका कॉमन डिफरेंस सेम है, और पहले टर्म का जो ए पी का टर्म है वो माइनस वन है, एंड दूसरे वाले का जो पहला टर्म है वो माइनस का 8 है। ठीक है, कॉमन डिफरेंस दोनों का सेम है। ठीक है, पहले वाले का जो ए वन अगर मान लोगे तो ए वन हमें दे रखा है माइनस के 1, और दूसरे वाले का अगर कैपिटल ए वन मान लेते हैं वो हमें दे रखा है माइनस का 8। तो डिफरेंस ऑफ फोर्थ टर्म हमें बताना दोनों का, फोर्थ टर्म का डिफरेंस क्या होगा। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, फोर्थ टर्म यानी कि ए वन प्लस 3 डी, और इसका हो जाएगा ए वन माइनस के इधर 3 डी। कॉमन डिफरेंस सेम है, इससे ये कटा। ए वन हमें पहले वाले के लिए क्या दे रखा था माइनस वन,
और दूसरे वाले के लिए क्या दे रखा है, माइनस का 8, तो 8 में से 1 जाएगा तो आंसर क्या जाएगा 7। सो आंसर क्या जाएगा 7, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा ट्रू। बहुत ही ईजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, कह रहे हैं इफ 7 टाइम्स द 7th टर्म ऑफ एन एपी इज इक्वल टू 11 टाइम्स द 11th टर्म देन द 18th टर्म विल बी। ठीक है, कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं जिनको मोबाइल पे मैं कर पाऊँ वो पॉसिबल नहीं है, बट मैं फिर भी कोशिश करूँगा आप लोगों को करने की। ठीक है, सो क्वेश्चन में इसने क्या बोला है कि अगर देखा जाए इफ 7 टाइम्स द 7th टर्म, 7th टर्म का मतलब A7 का 7 टाइम्स इक्वल है किसके, देखो 7 का A7 का 7 टाइम्स 11 टाइम्स से इक्वल है किसके, 11 टर्म के, देन 18 टर्म क्या होगा, यही दे रखा है आपको। ठीक है, देन 18 टर्म क्या होगा, सो सॉल्व करते हैं। 7 टाइम, 7 का मतलब होता है a प्लस 6d और 11 इधर है मल्टीपल में, a 11 का मतलब होता है a प्लस 10d। ठीक है, ये चीज़ होता है। अब इसको आपको सॉल्व करना है, इसको पूरे को आपको सॉल्व करना है। ठीक है, सो देखो जब सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आपका आ रहा होगा 4, कॉमन आ जाएगा, अंदर आ जाएगा a प्लस 17d, इधर आ रहा होगा 0, ये इधर आके 0 हो जाएगा, तो a प्लस 70 क्या जाएगा 0। a प्लस 70 का मतलब क्या होता है 18 टर्म, और 18 टर्म आपका क्या जाएगा 0, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, प्रॉपर कैलकुलेशन तो आप खुद भी कर सकते हैं क्योंकि ये बहुत ही इजी इजी प्रॉब्लम है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं द फोर्थ टर्म ऑफ द एंड ऑफ एन एपी इज 49। देखो कह रहे हैं एंड से फोर्थ टर्म क्या होगा, ये हमसे पूछ रहे हैं एंड से फोर्थ टर्म क्या होगा। पहला 49 है, मतलब लास्ट वाला 49 है, यानी कि ई हमारे पास 49 है, डी हमारे पास क्या होगा, देखो यहाँ से जो पता है जब भी एंड का होता है ना तो साइन चेंज कर दो, यहाँ से आपको डी कितना मिल रहा है था माइनस का 3, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करोगे तो कितना मिलेगा, देखो 11 में से आप माइनस 8 करोगे तो क्या मिलेगा, प्लस के 3 मिलेगा। ठीक है, हाँ डी आपको प्लस 3 दे रखा है, लेकिन जब से आपने सीरीज़ को पलट दी है, उलट दी है, तो डी आपके इस केस में कितना है, माइनस 3 है, और ए आपका क्या है 49 है। आपको कौन सा टर्म निकालना है, 44th टर्म, यानी कि ए प्लस 3d निकालना है। तो ए के प्लस पे क्या रखोगे 49 और डी के प्लस पे क्या रखोगे माइनस 3, तो 49 में से माइनस 9 हटा घटा दोगे तो 40 आ जाएगा आंसर, एकदम सही 40 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कॉमन डिफरेंस ऑफ ए पी, इस ए पी का कॉमन डिफरेंस क्या होगा, ये तो बहुत ही आसान है। ठीक है, आपको क्या करना है, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस कर देना है, ये सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस कर दो। अगर थोड़ा स्मार्ट हो ना तो क्या करो, अलग अलग अपॉन में ले लो, 1/p, p/p माइनस 1/p, इससे ये कैंसिल, पी के अपॉन में पी है तो क्या जाएगा माइनस के 1, सो कॉमन डिफरेंस कितना है हमारे पास माइनस के 1। ठीक है, ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, क्वेश्चन पे, जो समेशन वाले प्रॉब्लम होते हैं। तो ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आ सकता है। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, द फेमस मैथमेटिशियन एसोसिएट विद फाइंडिंग द सम ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर इज, कौन थे वो, पाइथागोरस थे, न्यूटन थे, यूक्लिड थे, गॉस थे। तो इसका आंसर याद कर लो, गॉस थे। नेक्स्ट प्रॉब्लम है इफ द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज -5 एंड द कॉमन डिफरेंस इज 2 देन द सम ऑफ द 6th टर्म इज, 6th टर्म यानी कि एस 6 निकालना है आपको, तो फार्मूला आपको पता ही है, एन बाई 2 टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये फार्मूला होता है आपको पता है ना। इस फार्मूले में आपको बस क्या रख देना है, ए की जगह पे -5 रखना है, डी की जगह पे आपको 2 रखना है, और एन की जगह पे 6 रख देना है, और उस क्वेश्चन में रख के सॉल्व कर दोगे आपको आपका आंसर आराम से मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे द सम ऑफ द फर्स्ट 16 टर्म, 16 टर्म को आपको निकालना है, यानी कि एन के प्लेस पे तो 16 है, ये तो हमें पता चल गया है,
ई हमारा 10 है, ए हमारा 10 है, और डी हमारे पास क्या है, माइनस के 4, क्योंकि 6 में से 10 माइनस करोगे तो माइनस 4 आएगा। उसी फार्मूले में रख दो वैल्यूज सारी, एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी वाले फार्मूले में, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ एन ए पी, ए हमारे पास 1 है और ए एन हमारे पास 20 है और एस एन 399 है, तो ए एन कितना होगा। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसका फर्स्ट और लास्ट टर्म पता है, तो उसमें एस एन क्या होता है, एन बाई टू ए प्लस ए एन, ये वाला फार्मूला आपको पता ही है, इस फार्मूले में वैल्यू रख दो। तो देखो एस एन हमें क्या दे रखा है, 399, एन हमें निकालना है, ए हमें दे रखा है 1 और लास्ट वाला टर्म दे रखा है 20, तो यहाँ से देखो कितना हो जाएगा, 399 इधर अपॉन में इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा और ये हो जाएगा एन इंटू 21, है ना, और ये जो 21 इधर आके क्या हो जाएगा, बट्टे में। सो एन इक्वल टू क्या होगा हमारे पास, एन इक्वल टू होगा 399 इंटू 2 अपॉन 21, है ना। अब इसको सॉल्व कर लोगे आपको आपका आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सम ऑफ द फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 3, यानी कि 5 बोला है मल्टीपल्स। जब भी मल्टीपल्स वाले क्वेश्चन आते हैं मैं आपको ट्रिक्स एक हिंट दे रहा हूँ, जो फर्स्ट टर्म होता है 3 का बोला है, 3 तो ए इक्वल टू 3 है, किसका मल्टीपल बोला है 3 का, तो डी भी हमारे पास 3 है। 5 मल्टीपल बोला है तो एन हमारे पास कितना है, 5 है। अब एस एन वाले फॉर्मूले में रख दो आपको आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक, ये क्वेश्चन भी हो गए। नेक्स्ट प्रॉब्लम आ रहा है, द सम ऑफ फर्स्ट 5 पॉजिटिव इंटीजर, फर्स्ट 5 पॉजिटिव इंटीजर यानी कि 1 2 3 4 5, तो इसको जोड़ दो, 4 5 9 10, ये 5 15, आंसर क्या हो जाएगा। नहीं नहीं क्या बोला, द सम ऑफ फर्स्ट 5 पॉजिटिव इंटीजर, अच्छा पूरा तो मैंने पढ़ा ही नहीं, डिविजिबल बाय 6, ओ ये बात है। तो ये क्वेश्चन भी वैसे ही होगा, ए हमारे पास 6 है, डी भी हमारे पास 6 है और एन हमारे पास क्या है, फर्स्ट 5 बोला था ना, तो एन हमारे पास 5 है, आपको एशन वाले फार्मूले में रख देना है और सॉल्व कर लेना, आपको आंसर मिल जाएगा। तो आई होप ये क्वेश्चंस आपको समझ में ज़रूर आए हैं, इजी क्वेश्चन थे, मैंने आपको हिंट ही दिया है ज़्यादातर क्वेश्चनों में, आप कैलकुलेशन तो कर ही सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।